अल्लाह रहमान रहीम। हाजरीन, आज हम अकीके के उन्वान से चंद बातें आपके गोश गुजार करेंगे। याद रखिए कि अकीका करना ये सुन्नत है, और लड़के की तरफ से दो बकरे या बकरी और लड़की की तरफ से एक बकरा या बकरी अकीका करना ये सुन्नत है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन और हजरत हुसैन की तरफ से दो दो मेंढे ज़िबा किए। ये निसाई शरीफ की हदीस है, यूं ही तिरमिजी और दीगर अहादीस के कुतब में मुख्तलिफ रवायतें मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों की तरफ से मेंढे ज़िबा किए, उनकी तरफ से आपने अकीका दिया है, और बच्चों की तरफ से अकीका करना चाहिए, ये उनके लिए कार खैर है और उनके लिए मुसीबतों के टल जाने का सबब भी है। बच्चे की तरफ से दो बकरे या बकरी अकीका करना चाहिए और बच्ची की तरफ से एक। अगर लड़के की तरफ से नर हो ये तो ये मुनासिब है, और लड़की की तरफ से मादा हो यानी बकरी तो ये मुनासिब है, लेकिन अगर कोई इसके बरक्स भी कर दे ये भी दुरुस्त है। बच्चे की तरफ से दो और लड़की की तरफ से एक। और फिर बिलखसूस ये भी पूछा जाता है कि क्या हम कुर्बानी के साथ अकीके के हिस्से को मिला सकते हैं, तो यकीनन मिलाया जा सकता है। अगर कोई कुर्बानी के 5 या 6 हिस्से जानवर में मिलाता है और उसमें एक दो हिस्से या ज्यादा भी अगर अकीके के शामिल करना चाहे तो वो बिल्कुल शामिल कर सकता है। तो इसी तरह बकरे और बकरी के अलावा मेंढा या बड़े जानवर में अगर कोई हिस्से डाल के बच्चों की तरफ से अकीका करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और ये अकीका करना चाहिए, ये सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।